दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्यमंत्री को झटका देते हुए गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। वहीं कोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम आपको अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं, साफ तौर पर केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली। एजी एसपी राजू ने कहा कि याचिका सही तरीके से तैयार नहीं थी, यही मुख्य वजह रही। मेरे मुताबिक याचिका सही तरह से तैयार नहीं थी, इसी वजह से कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से मना कर दिया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट में 2:30 बजे के बाद दोबारा से सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एवी राजू से पूछा कि आपने एक के बाद एक समन क्यों जारी किए। राजू ने कहा कि हमने नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, आप आए और जांच में शामिल हों, यह शक्ति है, हम गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की अगुवाई वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक उन्हें 9 समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कहा कि उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की इस एप्लीकेशन को मुख्य मामले के साथ ही सुना जाना चाहिए, इस पर आज सुनवाई नहीं हो सकती, इसे मुख्य मामले के साथ ही सुनना चाहिए। उधर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समन में ये नहीं बताया गया कि केजरीवाल को पूछताछ के लिए आरोपी, गवाह या सीएम के तौर पर बुलाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली शराब घोटाले के मामले के संबंध में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि सीएम पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए तो मुख्यमंत्री पेश होने के लिए तैयार हैं। पीठ ने पूछा, आप देश के नागरिक हैं, समन केवल नाम के लिए हैं, आप पेश क्यों नहीं होते। पीठ ने वरिष्ठ वकील से पूछा, ईडी द्वारा सामान्य प्रथा क्या है और क्या ये पहले समन पर ही लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। सिंघवी ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी एजेंसी ने इसी तरह गिरफ्तार किया था, ये नई शैली है। इस बीच ईडी की ओर से सस्पेंस अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि वे ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या फिर हाईकोर्ट को आदेश देना होना कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।